हेलो फ्रेंड्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर या बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है ये है बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट्स। जैसे कि हमें पता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम इकोनॉमिक्स के थ्योरी और कंसेप्ट्स हैं उनको यूज़ करके जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, तो उसी तरह क्या होता है कि नेचुरली जब हमें बेसिकली क्या होता है कि बिज़नेस के अंदर प्रॉब्लम फेस होती हैं तो उसके अंदर हमें ये इकोनॉमिक कंसेप्ट्स की नॉलेज होनी बहुत ही एसेंशियल है, ताकि इन कंसेप्ट के बेसिस पे क्या है कि हमें जो है बेसिकली ये जो कंसेप्ट्स है ये हमें एक लॉजिकल रीजनिंग जो है प्रोवाइड करते हैं, और जिसके बेसिस पे क्या है कि हम प्रैक्टिकली इनको यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल है, देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ये रिप्रेजेंट दी बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू, फोरगॉन का अर्थ होता है सेक्रीफाइस, बाय परस्यूइंग वन कोर्स ऑफ एक्शन रेदर देन अनदर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए डिसीजन इज द सेक्रीफाइस ऑफ द अल्टरनेटिव रिक्वायर्ड बाय दैट डिसीजन। देखो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मैं आपको काफ़ी सारे एग्जांपल देके बताती हूँ कि जैसे मान लो हमारे पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, उसके ऊपर हम जो है वीट भी ग्रो कर सकते हैं, चना भी ग्रो कर सकते हैं। अब एट ए टाइम हम एक ही फसल ग्रो कर सकते हैं, तो एक को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मान लो हम चने को सेक्रीफाइस करते हैं तो चने से हमें 1000 की इनकम जनरेट होती थी, तो अगर हम वीट ग्रो करते हैं तो कम से कम वहाँ पे हमें 1000 जो है उसकी इनकम जनरेट होनी चाहिए। तो वहाँ पे हमने चने का सेक्रीफाइस किया, तो जो सेक्रीफाइस है उससे हमें इनकम प्राप्त कितनी होनी थी, 1000, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। तो डैट इज़ द रिप्रेजेंट द बेनिफिट ऑफ द रेवेन्यू फोरगॉन बाय परस्यूइंग वन कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमने चने जो थे वो सेक्रीफाइस कर दिए कि चने की जगह पे हमने वीट, तो चनों से जो हमें इनकम मिलती थी वो हमने सेक्रीफाइस कर दी, तो वो दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। तो यहाँ पे फर्गुसन ने भी डिफाइन किया है द अल्टरनेटिव और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, कि अगर हमने एक और यूनिट एक्स कमोडिटी का बनाना है तो उसके लिए हमें कितने यूनिट वाई के जो है सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, ताकि नेचुरली उन्हीं रिसोर्सेज, क्योंकि हम उसके अंदर देखो ये है कि अगर हमने एक्स की ज़्यादा मात्रा बनानी है तो वाई को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो कितने यूनिट हम वाई के सेक्रीफाइस कर सके ताकि हम एक्स यूनिट का एक्स को हम बना सकें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन, कि जो हमने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस किया है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जैसे मान लो मैं कोई जॉब कर रही हूँ, मुझे वहाँ पे 5000 मिलता है, तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो मैं इस जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब कब ज्वाइन करूँगी, जब मुझे 5000 या इससे ज़्यादा की जॉब मिले, तो इसलिए इसको ऑल्टरनेटिव कॉस्ट जो है वो भी कहा जाता है। तो देखो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो हमने सेक्रीफाइस किया, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहाँ पे एग्जिस्ट करती है जहाँ पे चॉइसेस होती हैं, तो नेचुरली जैसे हमने एक चॉइस एक्सरसाइज की है तो दूसरी चॉइस को हमने सेक्रीफाइस किया, तो जो हम सेक्रीफाइस करते हैं वो जो एक्सरसाइज करते हैं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। मान लो मेरे पास क्या है कि 1 लाख रुपीज़ हैं, अगर मैं उसको बैंक में रखती तो मुझे वहाँ पे 8000 की इनकम होती, अगर मैं उसको बिजनेस में लगाती हूँ तो मुझे वहाँ पे नेचुरली कम से कम 8000 की इनकम होनी चाहिए, तो ये 8000 क्या है यहाँ पे जो है उसकी बेसिकली क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और उसी तरह देखो जो एंटरप्रेन्योर है, अगर वो बिज़नेस के अंदर टाइम डिवोट करता है तो नेचुरली वो अगर वो टाइम वहाँ पे ना डिवोट करता तो किसी और के ऑर्गेनाइजेशन में काम करके सैलरी कमा सकता था, तो वहाँ पे उसने अपनी सैलरी जो है सेक्रीफाइस की है। और उसी तरह क्या है कि जैसे हम एक मशीन के अंदर जो है बेसिकली एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, दूसरे को हम सेक्रीफाइस करते हैं, तो अगर हमने ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है तो अगर हमने बी प्रोडक्ट सेक्रीफाइस किया है तो बी प्रोडक्ट अगर सेक्रीफाइस
अगर हम बी को बनाते तो वहाँ से हमें 2000 की इनकम होती, तो यहाँ पे जब हम ए को बनाते हैं, बी को हमने सेक्रीफाइस कर दिया, तो यहाँ पे कम से कम जो है हमें 2000 की इनकम होनी चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम डिसीज़न लेते हैं जिसके अंदर चॉइस होती है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे हमारे डिसीज़न जो होते हैं गाइड हो जाते हैं। उसी तरह प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर क्या है कि ये हमारे पास 5 पॉसिबिलिटी हैं, एक्स यूनिट बना सकते हैं, वाई यूनिट बना सकते हैं, अगर हमने एक्स का और लेना है तो वाई के यूनिट हम सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जैसे एक्स को हम एक्स जो है वाई से एक्स को वाई के मुकाबले में ज़्यादा बनाने में ज़्यादा कंपैरेटिव एडवांटेजेस हैं। तो पहले देखो यहाँ पे इसका जो शेप है वो कनकेव है, तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे हम एक्स के ज़्यादा यूनिट बनाते जाएंगे, वाई के ज़्यादा यूनिट हम सेक्रीफाइस करते जाएंगे। और देखो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल होते हैं, जो गिवन अमाउंट ऑफ मनी है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्रिंसिपल हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे डिसीजन मेकिंग के अंदर चॉइस होती है, और चॉइस को हम कॉस्ट के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखो ये इम्प्लिसिट भी हो सकती है, एक्सप्लिसिट भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 1 लाख है, मैं बैंक में रखूँ तो मुझे वहाँ से इतना जो है रेवेन्यू प्राप्त होएगा, या मैं बिज़नेस जो है अपनी बिल्डिंग में करूं तो अगर मैं बिल्डिंग को रेंट पे, जैसे देखो मान लो मेरे पास बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग को मैं रेंट पे भी दे सकती हूँ, उसके अंदर अपना बिजनेस भी कैरी ऑन कर सकती हूँ। अगर मैं उसको रेंट पे देती हूँ तो मुझे कम से कम ये प्राप्त होगी, तो ये इम्प्लिसिट है जिसके अंदर मैं नोशनल अगर मैं रेंट पे देती तो मुझे ये इनकम प्राप्त हो सकती है। तो इस वजह से ये इम्प्लिसिट भी हो सकती है, एक्सप्लिसिट भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, मॉनिटरी भी हो सकती है। और उसी तरह क्या होता है कि जब हमने न्यू इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो उसके अंदर क्या होता है कि नेचुरली हमें पुरानी मशीनों को रिप्लेस करना चाहिए या मतलब रिप्लेसमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और उसी तरीके मतलब उसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर हमने न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके अंदर क्या है कि नेचुरली हमें नई टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए या पुरानी मशीनों की रिप्लेसमेंट करनी चाहिए। देखो अगर वर्कर जो है उनके पास सफिशेंट वर्क नहीं है तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़ीरो होती है, और जो अकाउंटेंट होता है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट को जो है कंसिडर करता है। अब हम सेकेंड प्रिंसिपल देखते हैं, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। देखो इंक्रीमेंटल जो होता है कि जब भी हम बेसिकली क्या होता है कि देखो जैसे कंजम्पशन की थ्योरी है, प्रोडक्शन की थ्योरी है, प्राइसिंग की थ्योरी है, तो वहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ होता है मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है एक यूनिट एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से जो एडिशनल कॉस्ट या एडिशनल रेवेन्यू होता है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। और जो इंक्रीमेंटल होता है इसके अंदर हम बल्क के अंदर जो चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, तो बल्क के अंदर कॉस्ट कितनी बढ़ती है और बल्क के अंदर रेवेन्यू कितना होता है। मार्जिनल कॉस्ट है जो है या मार्जिनल रेवेन्यू है वो 1 एडिशनल यूनिट के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो भी हमने डिसीजन लेना है उसका हमारा कॉस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट क्या है। तो देखो जब भी हमने डिसीजन लेना है तो जब जैसे सपोज कर लो मैं 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, जब मैंने कैपेसिटी को इन्हांस करना है तो मेरी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। 1000 यूनिट्स से मैंने 1500 यूनिट्स बनाने हैं तो मेरी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी, तो नेचुरली वहाँ पे मेरा रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होएगा। तो यहाँ पे देखो इंक्रीमेंटल कॉस्ट का अर्थ होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर डिसीजन। जब मैंने 1000 से 1500 का डिसीजन लिया तो नेचुरली 500 यूनिट एडिशनल प्रोड्यूस करने से उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होएगी। और उसी तरह इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का अर्थ हुआ कि जैसे मैंने 500 यूनिट्स और इंक्रीज़ किए हैं तो उससे मुझे रेवेन्यू भी प्राप्त होएगा। तो नेचुरली यहाँ पे आप इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को आपस में कंपेयर करते हुए, जैसे मान लो मैंने 500 यूनिट जो अलग से एडिशनल प्रोड्यूस किए हैं उसकी कॉस्ट है वहाँ पे 4000, रेवेन्यू जो है 5000, तो नेचुरली यहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा है तो हम उसको डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल है कि जब भी हमने अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है तो उसके अंदर हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू या डिक्रीमेंटल कॉस्ट एंड डिक्रीमेंटल रेवेन्यू को आपस में जो है कंपेयर करते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि देखो जो डिसीज़न है तभी प्रॉफिटेबल होता है अगर वो हमारा रेवेन्यू एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी थी कि 500 यूनिट इंक्रीज़ करने से मेरा रेवेन्यू 5000 है, कॉस्ट 4000 है, तो 1000 का अभी भी मुझे बेनिफिट है। और देखो कई बार क्या होता है कि नेचुरली जैसे हम नई मशीनरी लेके आते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि
नई मशीनरी की आने से क्या होता है कि थोड़ी सी कॉस्ट जो है बढ़ जाती है, लेकिन उससे क्या होता है कि ओवरऑल कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे हमें बेनिफिट होता है। और उसी तरह क्या होता है कि देखो जब हम कोई चीज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि कुछ डिपार्टमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है, कुछ डिपार्टमेंट का रेवेन्यू डिक्रीज़ होता है। तो उसके अंदर हम कंपेयर करते हैं कि ओवरऑल नेट जो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है कि डिक्रीज़ होता है। और उसी तरह क्या होता है कि कोई चीज़ करने से क्या होता है कि अगर हमारी कॉस्ट डिक्रीज़ होती है, बट ये जैसे मान लो कि हमने बेसिकली कोई टेक्नोलॉजी नहीं ली है तो उससे हमारी कॉस्ट डिक्रीज़ हो गई है, लेकिन उससे हमारा रेवेन्यू भी पहले से कम हो गया है। बट उसमें क्या है कि जो रेवेन्यू है स्टिल कॉस्ट से ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमें बेनिफिट है। और उसी तरह क्या है प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव। देखो जब हम कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो उसका शॉर्ट रन इम्पैक्ट क्या है, लॉन्ग रन इम्पैक्ट क्या है, उन सारी चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखते हुए जो है उसका डिसीज़न लेना होता है। देखो शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर हम कुछ फैक्टर जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, और वहाँ पर अगर हमने आउटपुट को इनक्रीज़ करना है तो हमें वेरिएबल फैक्टर को जो है चेंज करना पड़ता है, फिक्स फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते। लॉन्ग रन वो पीरियड होते हैं जिसके अंदर सारे फैक्टर जो होते हैं वेरिएबल होते हैं, तो बड़ी आसानी के साथ हम स्केल जो है इन्हांस कर सकते हैं। तो जब हम डिसीज़न जो लेते हैं तो उसके अंदर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन जो है हमारा रेवेन्यू और कॉस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होएगा, तो नेचुरली उन सारी चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए जो है डिसीज़न लेते हैं। अब देखो जैसे एक प्रिंटिंग कंपनी है, उसकी पॉलिसी है कि वो कभी भी जो प्राइस है वो फुल कॉस्ट, मान लो उसकी जो फुल कॉस्ट है 100 रुपीज़ है, तो वो उससे कभी भी नीचे जो है उसकी प्राइस हमेशा कॉस्ट से ज़्यादा होती है। और चाहे उसके पास आइडल कैपेसिटी होती है, बट ये जो डिसीज़न उन्होंने लिया है कि इसका लॉन्ग रन क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर वो क्या है कि प्राइस को रिड्यूस करते हैं तो उसको नेचुरली कुछ कस्टमर को अगर वो प्राइस रिड्यूस पे सेल करते हैं तो ओवरऑल उनको प्राइस जो है रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो इस वजह से क्या है कि उस कंपनी की गुडविल और इमेज भी ख़राब होगी। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि नेचुरली जो है बेसिकली अगर कुछ के लिए वो कम करेंगे तो नेचुरली उसको ओवरऑल जो है रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ओवरऑल रिड्यूस करने से क्या है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट जो है डिक्रीज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो उन्होंने अपनी जो पॉलिसी बनाई है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों को देखते हुए कि शॉर्ट रन के अंदर हो सकता है कि उनको थोड़ा सा गेन हो, बट लॉन्ग रन के अंदर क्या है कि उनको गेन नहीं होने वाला, तो इस वजह से वो इस जो है इसको अडॉप्ट करते हैं। और उसी तरह जो डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो 1 रुपया आज मिल रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है जो हमें 1 साल के बाद मिलता है, तो डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर हम देखते हैं कि जो डिसीज़न हमारी कॉस्ट और रेवेन्यू के फ्यूचर डेट के अंदर जो है इम्पैक्ट करता है, तो वहाँ पे हम उस कॉस्ट और रेवेन्यू की हम डिस्काउंट फैक्टर के साथ जो है वैल्यू निकालते हैं, ताकि हम वैलिडली कंपेयर कर सकें कि हमने ये डिसीज़न लेना है या नहीं लेना है। और जो डिसीज़न डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल है इसका मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 1 रुपया हमें कल मिलेगा उसकी वैल्यू जो आज हमें मिल रहा है उसके मुकाबले में कम होती है। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट के द्वारा जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू को जो है असेस करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है प्रेजेंट वर्थ डिवाइडेड बाय 100 + 1 प्लस इंटरेस्ट, तो यहाँ पे नेचुरली हम नेचुरली जो है हम बेसिकली देखते हैं कि जो है कि अगर हमें जो है मान लो यहाँ पे आई जो है रेट ऑफ़ इंटरेस्ट है, तो अगर ये हमें पर्टिकुलर रेट ऑफ़ इंटरेस्ट मिलता है तो उसकी जो प्रेजेंट वर्थ है वो 1 साल के बाद कितनी होगी या 2 साल के बाद कितनी होगी। तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग प्रिंसिपल जो है हमें बताते हैं कि जो मनी रिसीट जो है इसको नेचुरली हमें कॉमन पीरियड के अंदर वैल्यू करना चाहिए, ताकि हम मीनिंगफुल जो है डिसीज़न ले सकें। क्योंकि नेचुरली जो रुपया आज हमें मिल रहा है अगर वो हमें फ्यूचर डेट पे मिलेगा तो वहाँ पे उसकी वैल्यू जो है कम होती है। और उसी तरह देखो जो डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल है इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि फ्यूचर जो होता है अनसर्टन होता है। और उसी तरह कंपाउंडिंग प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम जो हमें फ्यूचर डेट पे मिलनी है, तो उसके अंदर हम ये फार्मूला जो है लगा सकते हैं, वी जो है प्रेजेंट वैल्यू है, आर जो है अमाउंट हमने फ्यूचर में रिसीव करना है, आई जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो स्मॉल एन है डैट इज़ दी पीरियड।
और उसी तरह ही देखो जो इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल है, नेचुरली यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमने लिमिटेड सोर्सेज को इस ढंग से जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनके अंदर एलोकेट करना है ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। तो वहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल होता है कि जो प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम प्रॉफिट जब तक मिलता है जब बेसिकली जो है मार्जिनल यूटिलिटी और जो मार्जिनल कॉस्ट के बीच में जो रेशियो है वन कमोडिटी का वो दूसरी कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल कॉस्ट के रेशियो के अंदर बराबर है। और उसी तरह क्या होता है कि जब डिसीज़न हमने रिस्क और अनसर्टेनिटी का लेना होता है तो वहाँ पे क्योंकि रिस्क के अंदर क्या होता है कि हम कुछ प्रोबेबिलिटी होती है और वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी की हेल्प से क्या होता है कि नेचुरली हर एक स्ट्रेटजी का जो है प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करते हैं।